दोष पद का नहीं है पुत्र। दोष तो उस पद पर विराजमान व्यक्ति का है। देवराज के इतने दायित्व हैं, इतनी शक्तियां और इतने अधिकार हैं कि उस पद पर बैठा व्यक्ति स्वयं को महत्वपूर्ण समझने लगता है। वो स्वयं को शासक समझने लगता है। किंतु सत्य तो यही है कि वो मात्र सेवक है इस समाज का, इस सृष्टि का। उसे इतनी शक्तियां और इतने अधिकार केवल इसलिए दिए जाते हैं कि वो अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर सके, ना कि अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति। किंतु पिताजी, ये तो पतन का मार्ग है। अवश्य पुत्र, ये मार्ग पतन का ही है। जब अपने पद का उपयोग अपने अहम, अपने सुख, अपनी सुविधा, अपने सामाजिक और सांसारिक अतृप्तियों को पूर्ण करने के लिए किया जाए, जब सब कुछ जानते हुए भी अपनी पद की शक्तियों में धर्म, सत्य और सद्भावना को अनसुना किया जाए, जब उचित और अनुचित के बीच विभाजन करना भूलकर अपने पद की परिधि को दुर्ग में परिवर्तित किया जाने लगा, जब गुरु का अपमान किया जाने लगे, उसका निरादर किया जाने लगे, अपने भीतर की निर्मलता को बाहरी दिखावे की प्रभुता से कुचल दिया जाए, कि मार्ग पतन का है। जो व्यक्ति अपनी भूल ना स्वीकार कर, उसका प्रायश्चित ना कर, उस पे अटल रहे, उसका विनाश सुनिश्चित है। तो पिताजी, इसका उपाय क्या है? या तो यथार्थ के पूर्व उसे गिरने दिया जाए और गिरने के पश्चात वो स्वयं उठकर अपनी स्थिति का आभास करे, और दूसरा उपाय ये है कि उसे गिरने से पूर्व उसे उसके पतन का आभास करा दिया जाए। किंतु ये दोनों विकल्प तभी संभव है जब व्यक्ति में थोड़ा सा भी विवेक शेष हो।